देश भर में हुए CAA के खिलाफ और JNU में हुई हिंसा के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट के बाद अब 8 जनवरी को भारत बंद का ऐलान है। देश में चल रही इन सब उठापटक के बीच भारत बंद का ऐलान होना पहली नजर में दिखाता है जैसे इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत बंद हो रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत बंद का ऐलान क्यों हुआ है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि सबके मन में जो गलतफहमी है वो हट सके। नमस्कार, मैं दामिनी माहौर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल ब्लू इंडिया। अब चलते हैं खबर की ओर। तो आपको बता दें कि 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से आज भारत बंद का आयोजन किया गया है। बंद का समर्थन 6 बैंक संगठनों, 60 छात्र संगठनों, वाम दलों समेत कई संस्थाओं ने किया है। ट्रेड यूनियन के संयुक्त बयान में ये कहा गया है कि करीब 25 करोड़ लोग बंद का समर्थन कर रहे हैं। बंद का असर ट्रेन, बस, सरकारी बैंकों और दूसरी सेवाओं पर साफ दिख रहा है। आखिरकार बंद समर्थकों की क्या मांग है इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। मुख्य रूप से सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन में बंद का आयोजन किया है। इसके अलावा जितने भी संगठन बंद का समर्थन कर रहे हैं उनकी भी अलग अलग मांगे हैं। भारत बंद का समर्थन बैंक संगठन क्यों कर रहे हैं? इस बंद का 6 बैंक संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन BEFI, INBEF, INBOC और बैंक कर्मचारी सेना महासंघ कर रहे हैं। बैंकों के मर्जर के खिलाफ ये कर्मचारी संगठन विरोध में शामिल हुए हैं। ट्रेड यूनियन प्रस्तावित लेबर लॉ के विरोध में है। इसको लेकर उनकी मुलाकात लेबर मिनिस्टर से भी हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद बंद को जारी रखने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा जो छात्र संगठन है वो क्यों इसका समर्थन कर रहे हैं? पिछले कुछ समय से अलग अलग मुद्दों पर छात्रों का प्रदर्शन पूरे देश में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हुआ है। सरकार के कुछ फैसलों का छात्रों ने विरोध किया है। इसके अलावा हॉस्टल और कॉलेज फीस बढ़ाए जाने का भी छात्र नेता विरोध कर रहे हैं। मुख्य रूप से हॉस्टल और कॉलेज फीस बढ़ाने के विरोध में छात्र संगठन भारत बंद में शामिल हुए हैं। साथ ही रेलवे के कर्मचारियों ने भी बंद का समर्थन किया है। तेजस के लॉन्च होने के बाद प्राइवेट ट्रेन का विस्तार और विकास तेजी से हो रहा है। रेलवे कर्मचारी इसके निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना हावड़ा में बंद समर्थकों ने ट्रेनें रोकी। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेन सेवा पर असर पड़ा है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और दूसरे दलों से जुड़े ट्रेड यूनियन ने BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ बंद का ऐलान किया है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि वो किसी बंद का समर्थन नहीं करती है। ये आपने भारत बंद होने की वजह जानी। इसके अलावा देश दुनिया की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ब्लू इंडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। We'll be right back.